बॉर्डर राज जो सिख आए थे चढ़ता रहता पंजाब बड़ा प्यार है, उन्होंने आपसे काम करवाया देन आपको ये गिफ्ट दिया। अभी तक आपने गिफ्ट संभाला हुआ है कि आप रेजर से कटिंग करते हैं, आपके पास बड़ी यूनिकनेस है और आपका दावा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सलून रेजर नहीं है जो कि रेजर से कटिंग करे। आंखों पे पट्टी लगा के आपको सीजर यूज करते हुए मिलेंगे, लेकिन ये रेजर वाला ट्रेंड मैंने निकाला है, एक अलग ट्रेंड निकाला है और समझ लें कि इसको आप देखेंगे, आपने बल्कि देखा कि इतनी यानी कि स्पीड है कि किसी को समझ भी नहीं आएगी। सर मैं खुद डर रहा था कि यार ये कहीं जो बैठा बंदा है इसको लग ही ना जाए, तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है। मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम। जीतो नाज़रीन, पाकिस्तान का पहला शख्स जो कि आंखों पर पट्टी बांधकर सीजर से नहीं बल्कि रेजर से कटिंग करता है। जब इनकी वीडियो वायरल होती है तो इनके पास हमसाए मुल्क से सिख आते हैं इनसे कटिंग करवाने के लिए, और जब कटिंग करवाते हैं रेजर से आंखों पर पट्टी बांधकर और उसके बाद इनको ये गिफ्ट देते हैं, और अभी तक इन्होंने ये गिफ्ट रखा हुआ है और यूके कनाडा यूएसए से इनके पास क्लाइंट आता है। पाकिस्तानी लड़का इतना बड़ा टैलेंटेड कैसे और ये ट्रेंड कैसे चलाया, और ये जो गिफ्ट भारत ने दिया है हमसाए मुल्क ने, इनसे बात करते हैं कैसे मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? फैजी भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हमें इस गिफ्ट के बारे में बता दें जो सिख आए थे बॉर्डर क्रॉस आपके पास आपकी वीडियो देखकर, कि सर आप माशाल्लाह एक रेजर के साथ कटिंग करते हैं और आपने बर्ड को किया है, आपने बालों को किया, रेजर के साथ किया है, सर ये क्या प्रैक्टिस है, क्या मामला है? सर बस इसी तरह मेरी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स वाले आके वीडियो बनाते रहे हैं तो बस इसी तरह वायरल हुई है, और दूसरे यानी कि शहरों में आउट ऑफ कंट्रीज़ वगैरह जो है वीडियोस मेरी गई है तो वहाँ से वो लोग आए हैं, उन्होंने आके मेरे से कटिंग करवाई है, वो बहुत यानी कि खुश भी हुए हैं और मेरे फ़ैन हुए हैं बाकायदा कि उन्होंने आके कटिंग करवाई कि यूनिक उनको कटिंग मिली है कि आँखों पर यानी कि पट्टी लगा के और रेज़र के साथ कटिंग की, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यानी कि इस तरह देखा है, और बाकायदा उन्होंने कहा कि यार हमने वर्ल्ड में फ़र्स्ट टाइम हम मुख्तलिफ यानी कि कंट्रीज़ गए हैं तो वहाँ पर इस तरह यानी कि कोई भी नहीं हमने देखा आप एक अलग तरीके से कटिंग करते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक का दिया हुआ हुनर है, नहीं तो मेरे सर माशाल्लाह। देखिए फैजी भाई, आपके पास जो क्लाइंट है आपका कनाडा से भी आता है, यूके से भी आता है, अब अगर बात करें गोरे जो हैं मैं कहता हूँ बहुत आगे, उनके पास एसरी बड़ी अच्छी है, उसके बावजूद लोग आपके पास आते हैं, इसमें क्या नज़ाकत है? सर बिल्कुल ऐसी है, एक्सेसरीज है जिस तरह असल में ना काम करने का फ़न होता है, वो तरीकाकार होता है कि वो फ़न अगर किसी को आ जाता है तो जाने को, तो गोरे भी हैं वो भी इंसान हैं हम जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, तो सेम इसी तरह है कि अल्लाह पाक का दिया फ़न है और मैं उसको जो है यूज़ कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से यानी कि मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रीज़ यानी कि कनाडा से भी आए हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से और बकायदा यानी कि अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तो सर ये कब फील हुआ है कि देखें बड़ी बात है कि एक बंदा बॉर्डर क्रॉस आपके पास आ रहा है, आपके हमसाया मुल्क से आ रहा है इसकी खातर कि यार रेजर से कटिंग करते हैं, और नाज़रीन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह मोहब्बत भरा ये पैगाम है जिस पे देखें ये ड्रैगन बना हुआ है। बकायदा आपको पता है सिख बरदरी तलवारें ऐसे मामला बड़े होते हैं, तो इनको ये गिफ्ट मिला अभी तक ये यूज़ करें ऐसे, सर ये इस पर क्या प्रैक्टिस है रेजर से कटिंग करना? सर, असल में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 18 ईयर्स हो गए हैं वर्किंग करते हुए, तो तकरीबन 12 टू 14 ईयर्स हो गए हैं मैं रेजर से हेयर कट कर रहा हूँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5-6 सालों से जो है स्टार्ट लिया है कि मैंने ये नया ट्रेंड निकाला हुआ है आँखों पे पट्टी, क्योंकि मोस्टली जो है ना लोग अलग अलग ट्रेंड्स निकाल रहे हैं, तो बस मुझे भी इसी तरह था कि यार एक अलग ट्रेंड निकालूँ कि जो दुनिया में एक यूनिक चीज़ हो, तो मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया और मैंने भी स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैंने यानी कि बड़ी स्ट्रगल की और इतनी मेहनत की है कि आपको क्या बताएं, मुख्तलिफ यानी कि समझ लें कि अलग अलग उंगलियों पे कट्स लगना बहुत ज़्यादा यानी कि, लेकिन एक जुनूनी हद तक मैंने इसको जो है ना खेला है और मैंने प्रैक्टिस की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस हद तक मैं कर लेता हूँ कि बिना यानी कि किसी के भी मैं ईजीली कर लेता हूँ। तो सर ना कस्टमर एग्री होता है, कस्टमर डरता नहीं है यार ये रेजर से कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैंने भी देखा है ना जब आप कर रहे थे तो मैं देख रहा था। बिल्कुल ऐसी है यानी कि कस्टमर स्टार्टिंग में तो डरता है, लेकिन जब वो स्टार्ट
जब हो जाता है और हाथ चलता हुआ देखता है तो वो बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर बैठ जाता है कि यार वाकई एक भाई के पास फ़न है, तो वो ईजी होकर बैठ के काम करवाते हैं। क्योंकि फिर उनको मैं मुख्तलिफ, मेरे पास जो न्यूज़ चैनल्स यूट्यूबर्स की वीडियोज़ हैं मैं उनको शेयर करता हूँ, उनको दिखा देता हूँ ताकि वो और मज़ीद ईजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मैं ऑलरेडी यानी कि करता रहा हूँ, उन्होंने वो भी देखा है तो ईजी रहता है, यानी कि कोई इतना वो नहीं है कि स्टार्टिंग में उनको फील होती है लेकिन ईजी हो जाता है। सर जब सिख आपके पास आए, बड़ी ही खुशी की बात है, बड़े आप खुशकिस्मत हैं, बड़ी बात होती है कि आपको टैलेंट आपको इस लेवल पे ले जाए, जब वो आपके पास आया तो सर क्या फीलिंग थी, बिलीव हो रहा था कि मेरे पास आए हैं ये? सर बिल्कुल ऐसी ही है कि स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने को कस्टमर हैं कि मैं फील भी नहीं होता कि अलग अलग कंट्री से आते हैं लोग काम करवाते हैं, तो आई विल मैनेज, मैं इजीली मैनेज कर रहा हूँ। और समझ लें कि एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है अभी, किसी ने मैंने नहीं देखा अभी तक किसी ने इस तरह स्टार्ट लिया हो। पूरे वर्ल्ड में आप चेक करेंगे आंखों पे पट्टी लगा के आपको सीजर यूज़ करते हुए मिलेंगे, लेकिन ये रेजर वाला ट्रेंड मैंने निकाला है, एक अलग ट्रेंड निकाला है। और समझ लें कि इसको आप देखेंगे, आपने बल्कि देखा कि इतनी यानी कि स्पीड है कि किसी को समझ भी नहीं आएगी। सर मैं खुद डर रहा था कि यार ये कहीं जो बैठा बंदा है इसको लग ही ना जाए, तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है, कस्टमर तो बड़ा सेटिस्फाई होकर बैठते हैं आप। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो ईजीली यानी कि जब वो एक दो स्टेप देख लेता है तो वो और कम्फर्टेबल हो जाता है और बिल्कुल ईजी हो जाता है कि उनको नज़र आता है कि यार ये प्रोफेशनल है, यानी कि सर इसकी प्रैक्टिस है, कोई उस्ताद है, क्या मामला है, किससे सेटिस्फाई हो गया कि ये कब आइडिया आ गया? इस तरह के वर्ल्ड में भी तक कोई नहीं है, सेम इसी तरह के बस एक फन था कि जो मैंने स्टार्ट लिया था कि यार मैंने इसको ना स्टार्ट दिया कि जुनूनी हद तक मैंने इसको लेके गया हूँ कि कुछ ऐसा हो कि कुछ पूरे वर्ल्ड में कुछ यूनिक हो, कुछ नया हो, तो बस उसी को लेके मैं निकला हूँ। और सेम इसी तरह अब आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दीवी इज्जत है और अल्लाह पाक ने हुनर दिया है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक लेके जाएगा। तो हमारी नाज़रीन को बताएं, जो आजकल के आपको पता है यंग बॉय हैं, अगर आपके पास आना चाहते हैं तो क्या एड्रेस है आपका, क्या मामला है? सर बिल्कुल, पहले मेरा इसी तरह इस्लामाबाद बैरिया में सलून था, तो बस ये मैंने लाहौर में समझ लें कि ये स्टार्ट लिया है, तो ये अब इजी है कि टेम्पर रोड मजंग है, मजंग थाने के बिल्कुल साथ जो है ये प्लाजा है, ठीक है, इसकी शॉप नंबर 4 है, फैजी स्टूडियो एंड सलून के नाम से है एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इंशाल्लाह ये सलून भी है, आगे स्टूडियो भी रहेगा और इस बकायदा मैं ट्रेनिंग्स भी दिया करूँगा। बिल्कुल ऐसे किसी ने सीखना हो वो भी आए वेलकम है, तो लोगों को सिखाया भी करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आते हैं और बहुत से मेरे जो हैं शगीर्ड्स हैं जो कि इस काम में सीखें, लेकिन कईयों ने ये ट्राई लिया है, जब एक दफ़ा उंगली कटती है तो वो दोबारा करते नहीं है क्योंकि 10-15 दिन जो है उनके 20 दिन इसी तरह गुजर जाते, काम नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरह है, तो बहुत से लोगों ने ट्राई लिया लेकिन आपकी फिर कटी होंगी उंगलियाँ। बिल्कुल ऐसी है, मेरी तो इस हद तक कटी है कि मेरी हड्डियाँ तक नजर आती है, लेकिन बस वही बात है कि मुझे एक जुनूनी हद तक के बस कुछ फन ऐसा हो कि जो वर्ल्ड में कुछ यूनिक हो जो कोई भी ना करता हो, तो बिल्कुल इसी तरह मैंने उसको निकाला है और मैंने इस हद तक खेला कि कई सालों से मैं कर रहा हूँ और कई सालों की प्रैक्टिस भी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल हो गए हैं कि मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ईजी है, मेरे लिए कोई वो नहीं है कि मैं ईजिली कर लेता हूँ। नाज़रीन आपने जाना एक बहुत बड़ा टैलेंट, आपको पता है आंखों पर पट्टी बांध कर हर बंदा कटिंग कर लेता है लेकिन सीजर से, लेकिन ये कटिंग करते हैं रेज़र से, और सबसे बड़ी बात ये मेरे हाथ में जो गिफ्ट है ना पूरे इंटरव्यू में देखा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक पाकिस्तानी लड़का जिसने इतनी मेहनत से ट्रेंड बनाया और हमारे हमसाए मुल्क से लोग आकर इनसे कटिंग करवा रहे हैं, कनाडा, यूके, यूएसए, हर जगह से, बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक छोटी सी यूनिकनेस, ठीक है, कि रेज़र से करते हैं, और बड़ी बात यह है कि कस्टमर बड़ा सेटिस्फाई उनके पास बैठता है और चिल करता है, तो इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को, मेरा सलाम।